प्रयागराज में मेडिकल चौराहे के पास स्थित कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर दिनदहाड़े बमबाजी की गई। दर्जन भर की संख्या में पहुंचे हमलावरों ने बम से हमला किया। इसमें दुकान पर बैठा निशित सोनकर और वहां काम करने वाला खालिद जख्मी हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निशित सोनकर का कहना है कि बगल की मॉडल शॉप में शराब पीने आए युवकों ने सामान के पैसे मांगने पर वारदात को अंजाम दिया। मेरे साथ ये हुआ कि पहले वो तीन चार लोग आए दुकान पे सामान लिए, उसके बाद सामान लेके अंदर गए, फिर वहाँ से पी खा के आए, पैसा नहीं दिए तो मैंने पैसा मांगा तो कह रहे हैं कि पैसा नहीं अभी दे रहा हूँ, पैसा थोड़ी देर रुके रहो। फिर मैं दूसरा कस्टमर देखने लगा, उतनी देर में थोड़ी सी बहस हुई थी, वो लोग चले गए। फिर उसके बाद आते ही नए नए लड़के आए, मारने लगे, सामान उठा के फेंकने लगे, बम से मार दिए। क्या बम चलाया? एक लोग घायल, दो लोग घायल हुए। पैसा मांगने में उन्होंने बम चलाया, कोई हाँ, विवाद? कोई विवाद नहीं। हाँ कह रहे तुम लोग पैसा दोगे, हम थोड़ी देंगे पैसा। पुलिस ने बताया कि फिलहाल अज्ञात में मामला दर्ज किया गया है। बमबाजी की पूरी घटना बगल की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसे देखने से पता चलता है हमलावर बाइक से आए थे और 26 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर निकल भागे। घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों में जबरदस्त आक्रोश रहा। दुकानदारों का कहना है कि मॉडल शॉप के चलते यहां शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लगने लगता है। यहां लोग दुकान के बाहर खड़े होकर भी शराब पीते हैं, जिससे आने जाने वालों को भी दिक्कतें होती हैं। बगल में ही कॉलोनी भी है जहां से महिलाओं का निकलना भी दूभर हो जाता है। यहां जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आए दिन जो है शराब की दुकान के पास यहां पे विवाद होते रहते हैं। दारू पीने के बाद लोग सड़क पे आने जाने वालों को गाड़ी हटाने को लेकर विवाद, और ये जो छोटे रेहड़ी वाले दुकानदार हैं जो लगा रहे हैं, इनसे कभी कभी दारू जब इनको ज़्यादा चढ़ जाती है तो इनको पैसा नहीं देंगे, खा के चले जाएंगे। ये आए दिन की वारदात हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि वहाँ बम मार दिया था बगल में, वो तो लड़का वहीं मर गया था। आज भी इनके साथ यही विवाद हुआ कि पैसे को लेके विवाद हुआ और कहा कि जो है अगर ये पैसा हम क्यों देंगे, साले तुम दोगे पैसा। और इसी तरीके के विवाद को लेके इनके साथ पहले मारपीट की गई, फिर जान से मारने के लिए बकायदे बम चलाए, जो बम लगा केवल इनके काउंटर पे, अन्यथा इस बच्चे की आज जान चली गई होती। हमारी यूनियन आजाद होकर स्ट्रीट वेंडर यूनियन ये मांग करता है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप आरोपी पकड़े नहीं जाते तो सड़क पटरी दुकानदार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैं पुलिस गश्त करती है शाम को, आज ये तो दिन की बात है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल से बाहर है। आए दिन अगल बगल वाले लोग भी बहुत परेशान रहते हैं कि सड़क पे दारू जो खुलेआम यहाँ एकदम खुला ओपन बार चल रहा है, इसको लेके काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहे थे, लोगों ने मांगे उठाई, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण आज तक जिला प्रशासन ने नहीं किया है।